हर हर महादेव भक्तों, आसन पल के इस एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। सावन का महीना लगा हुआ है, सभी लोग भोले बाबा की भक्ति करते हैं, और भक्ति क्यों ना करें, सावन का महीना होता ही ऐसा है। जो भी हम दान पुण्य करते हैं, भोले बाबा को अर्पित करते हैं, तो उसका जो पुण्य प्रताप है वो कई गुना बढ़कर हमें प्राप्त होता है। इसीलिए भोले बाबा की सेवा जरूर करना चाहिए। यदि आपको फूल और पत्ते किसी भी प्रकार के ना मिले, तो आपको ये जो कुछ ऐसे पत्ते होते हैं, शमी पत्र और बेलपत्र के अलावा, जिनको आप अर्पित करके मनोवांछित आप फल की प्राप्ति कर सकते हैं। वहीं पर बात करें हम चिरचिटा, तो यह अब मार्गा जिसे कहा जाता है, तो इसके पत्ते यदि आप भोले बाबा पर अर्पित करते हैं, तो सुख संपदा की जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती है। भोले बाबा हमेशा जो भक्त होते हैं, तो उनको धन धान्य से भरे रहते हैं, कभी संपत्ति की कमी नहीं होती है। तो ये एक औषधि पौधा है, इसे इसके पत्ते जरूर अर्पित करना चाहिए। वहीं पर बात करने की, जिन भक्तों को पेट में एक न एक समस्या लगी रहती है, डायलिसिस की समस्या हो या फिर किडनी की समस्या है या कोई भी इंफेक्शन है, तो आप दवाई जरूर करवाएं। लेकिन ऐसे भक्तों के लिए अरहर के जो हरे पत्ते होते हैं, भोले बाबा पर जरूर अर्पित करना चाहिए, इससे सारे रोगों से निजात मिलती है। इसी के साथ साथ हम बात करें दूर्वा की, तो यह भी आपको आसानी से मिल जाता है, और हम लोग पूजा करते हैं तो इसे घर में जरूर लगाते हैं। वैसे तो गणेश भगवान के लिए दूर्वा अर्पित की जाती है। जो दूर्वा होती है, इसे अमृत का वरदान प्राप्त है। गणेश भगवान के साथ साथ भोले बाबा को भी आप ये अर्पित कर सकते हैं, इसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो आप ये दूर्वा जरूर अर्पित करिए, इससे भक्तों को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ हम बात करें बांस की, तो बांस को बंस से जोड़ा गया है, तो इसके जो हरे पत्ते होते हैं, तो यह आप भोले बाबा पर जरूर अर्पित करिए। खासकर सावन के महीने में हरे पत्ते होते हैं जो बांस के, वह अर्पित करने से संतान सुख में वृद्धि होती है। यदि आप संतान सुख से वंचित हैं, या किसी भी प्रकार की आपको मनोवांछित संतान की आपको प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो हरे बांस के पत्ते आप भोले बाबा पर सावन के महीने में जरूर अर्पित करें। आपकी मुराद भगवान ने चाहा तो जरूर पूरी होगी। इसी के साथ साथ हम बात करें आंकड़े की, तो आंकड़ा जो सफेद आंकड़ा होता है, वह भोले बाबा के लिए बहुत प्रिय होता है। इसके फूल हैं, तो ये भोले बाबा पर अर्पित जरूर करना चाहिए। इसकी रुई का भी आप दीपक लगा सकती हैं। आंकड़े के पत्ते यदि आप भोले बाबा पर अर्पित करते हैं, तो इससे रोग मुक्ति का वरदान प्राप्त होता है। वहीं पर बात करें हम पीपल की, तो ऐसा माना जाता है धर्म शास्त्रों के अनुसार कि जो पीपल का पत्ता होता है, तो पीपल के पत्ता में स्वयं भोले बाबा निवास करते हैं। पीपल का पत्ता भोले बाबा को बहुत प्रिय होता है, तो आप यदि शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो भोले बाबा की कृपा प्राप्त होती है, साथ में सभी जो देव हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। वहीं पर बात करें हम धतूरा की, तो धतूरा एक औषधीय पौधा है, यह तांत्रिक क्रियाकलापों में भी उपयोग किया जाता है। जो नीला धतूरा होता है, यदि आपको नीले धतूरे के फल और फूल मिल जाए, तो अति उत्तम माना जाएगा। यदि ना मिले तो कोई बात नहीं, आप सफेद के आप फल और फूल भी अर्पित कर सकते हैं। यदि दोनों ही ना मिले, तो इसके पत्ते भी अर्पित आप कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह एक औषधीय पौधा होता है। इसी के साथ साथ आपकी समस्त जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं, धतूरे से धन धान्य की प्राप्ति होती है। वहीं पर बात करें हम भांग की, तो भांग का एक जो पौधा है, ये औषधीय पौधा होता है, नशीला पौधा तो होता ही है, साथ में औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका शरबत और इसके हरे पत्ते यदि आप भोले बाबा पर अर्पित करते हैं, तो इससे इंसान की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और वैसे भी जब भोले बाबा ने जब ये धारण किया था हलाहल को, तो इससे उनका उपचार किया गया था। वहीं पर बात करें हम बेलपत्री की, तो बेलपत्री को हमेशा उल्टा करके और शुद्ध होना चाहिए, कटी फटी नहीं होना चाहिए, ये अर्पित करना चाहिए। ये तीन देव का प्रतीक माना जाता है, और सबसे इन जो भी पत्ते हैं, इन पत्तों में जो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम जो पत्ता माना जाता है, वह होता है शमी पत्र। तो शमी पत्र यदि आप भोले बाबा पर अर्पित करते हैं, पूरे श्रवण मास में आप अर्पित कर सकती हैं, सोमवार को भी अर्पित कर सकते हैं, तो सभी पत्तों में सर्वश्रेष्ठ है, और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है, सभी पापों का नाश करने वाला है। आपकी जितनी भी कुंडली के दोष हैं, बाधाएं हैं, वो सभी आपके हालात आपके नियंत्रण में हो जाएंगे, सभी सारी बाधाएं दूर होती है। तो शमी पत्र सर्व पत्तों में सबसे उत्तम माना जाता है। तो शमी पत्र आप कोई भी पत्र ना मिले, तो शमी पत्र आप अर्पित करेंगे, तो समस्त आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें। चैनल आसन पल पर जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।